So here comes कौन मेरा कौन तेरा, जिसमें अपना दिल भी भर रहे हैं आकाश एंड प्रिया. अरे यार भाई कैच किसकी है. A huge round of applause for our stars, producer Vikram Chaudhary, marketed and released by Mr. Israel Ahmed ji. आज फिल्म का फर्स्ट लुक है और आज फिल्म का म्यूजिक है. क्या कहना चाहोगे और किस तरह का आशीर्वाद देना चाहोगे. I would like to congratulate to Akash as he's starting his career from this film Kaun Mera Kaun Mera Kaun Tera, and I wish him all the best. May God bless him. मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से घर परिवार में मम्मी के और डैडी के आशीर्वाद से और नानी जी के आशीर्वाद से मामा जी के आशीर्वाद से आप आज इस घर परिवार में बहुत से आर्टिस्ट हैं. एज अ न्यू कमर ही स्टार्टिंग हिज करियर. आई प्रे फॉर हिम एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से बहुत ही क्लीन वे में ही विल डू हिज वर्क. और वो नज़र आता है, जिस वक्त मैं वर्क देख रहा था तो वो नज़र आता है, वो हार्डवर्क नज़र आता है, वो दिल में जो चाह है वो नज़र आती है. और आदरणीय मामा जी राजेंद्र मामा जी ही हैज़ आई आप आई प्रणाम प्रणाम ही हैज़ स्टार्टेड थॉट से लेके तो मतलब हर चीज़ ही हैज़ डन. एंड उस पर तो डिस्कस भी नहीं कर सकते क्योंकि जो हम लोग आर्टिस्ट हुए हैं घर परिवार में सब जो है वो सब आप ही लोगों की कृपा और आशीर्वाद से हैं. और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है आगे निकले और इस फिल्म के लिए बहुत शुभकामनाएं. आकाश जी आपसे जानना चाहेंगे. आकाश जी लीजेंड हैं गोविंदा सर. जी जी आपने इनकी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी मुझे पूरी उम्मीद है. क्या सीखा है आपने इनसे. जी मैंने बचपन से ही चीची भैया की गोविंदा जी की फिल्में देखी हैं और मैं सबसे पहले तो एक्सप्रेशन सीखा हूँ, फिर इम्प्रेशन सीखा हूँ और इंस्पिरेशन लिया मैंने. तो ये तीन चीज़ें तो सबसे ज़्यादा मैंने गेन की है. और शुरू से ही मैं वीडियोस देखता आया हूँ और जब जब मिलता हूँ कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है. और मेरे आइडल हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत कुछ हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं. थैंक यू थैंक यू. आपकी जैसे कि नए स्टार है कुछ ऐसी यादें आ जाती है व्हेन यू कम को न्यू कमर लाइक के लॉन्च पे होता तो कुछ अपनी यादें जैसे आपकी पहली फिल्म थी जैसे इल्ज़ाम और ऐसी कुछ एनी मेमोरीज. जिस वक्त हम लोग करियर शुरू किए थे तब तो सोचा नहीं था कि मैं हीरो हो जाऊँगा. हो गया और वो हार्डवर्क जो था वो पे कर गया. जो वर्क मिल जा रहा था वो मैं सोच रहा था, मैंने सोचा था कि ये यही कमाल ही है. और आप लोग तो स्टार्ट अच्छा हो गया है. हम लोगों के लिए वो इत्तेफाक था कि एज अ हीरो निकल आया. तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत हार्डवर्क हो रहा है. जो जो न्यू कमर आ रहे हैं दे आर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड. ही हैज़ डन एज अ न्यू कमर वेरी हार्ड वर्क और उम्मीद करता हूँ कि इन्हें इस फिल्म में सफलता मिलेगी. और मैं शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आदरणीय राजेंद्र मामा जी के लिए इस फिल्म के लिए शुभकामनाएं. और ऑल आई वॉन्ट टू से दैट विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद भद्रम तरनासव ओम त्र्यंबकम् जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे मंदनाल मृत्युर्मोक्षे मामृतान. मैं यही कहा करता हूँ खास तौर पे एज अ न्यू कमर ही स्टार्टिंग हिज करियर और बच्चों के लिए. हाँ कही कही. आप क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में, किस तरह की फिल्म है, क्या दिखाएंगे. ये फिल्म टोटली कॉमेडी फिल्म है और इसमें एक लड़की ने अपनी रिवेंज भी किया है, बदला लिया है और इन ऑल डबल विन से भरी हुई है. आप देखेंगे तो हर्ष और गाने से डांस से भरपूर आपको आनंद मिलेगा.
आप कितने इंस्पायर्ड हुए गोविंदा ने, गोविंदा जी ने जितने भी रोल किए हैं, डबल रोल है स्पेशली इंस्पेक्टर में, तो उनके यादगार रोल ही रहे हैं, कुछ ऐसी झलक या उनसे इंस्पिरेशन जैसे आपने उनको गुरु माना है? मेरी फिल्म में डिस्कस नहीं कीजिए, ये गुरु गुरु नहीं गुरु नहीं, आप यहाँ आइए कृपया, आप वहाँ पे अकेले नहीं रहिए भाई। दी हीरोइन भाई आप गोविंदा जी एक ना किंग ऑफ कॉमेडी नाउ आस्क कर इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हां आप मुझे रोल के बारे में डबल रोल है आप रोल के बारे में जानना चाहेंगे हां जो इंस्पेक्टर का रोल है। तो इस फिल्म में जो इंस्पेक्टर का रोल है वो बड़ी ही एक सेकंड सीधी साधी थोड़ा सा मैं बाहर निकलता हूँ, अब आप लोग संभालिए ठीक है। ओके थैंक यू। तो इस फिल्म में जो इंस्पेक्टर का रोल है वो कैरेक्टर बड़ा ही सीधी साधी भूमिका है और बड़ा ही सीधा शरीफ और बड़ा ईमानदार इंसान है, यही है वो कैरेक्टर। बाकी आप लोग फिल्म देखेंगे तो आगे की चीज़ें आपको पता चलेंगी। मैम आपसे जानना चाहेंगे और सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि गोविंदा जी इस फिल्म के फर्स्ट लुक पर पहुंचे हैं तो कैसा मोमेंट है, और कहीं ना कहीं आप क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ गई हैं तो नर्वसनेस है क्योंकि फिल्म रिलीज़ के बहुत नज़दीक है? इट्स ओनर फॉर अस कि हम लोगों के म्यूज़िक लॉन्च में गोविंदा जी आए हुए हैं एंड शूटिंग के टाइम भी वो आए थे और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया था और हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है उनकी मूवीज़ से। ऑब्वियस है इसने जैसा बोला बहुत सारी इंस्पिरेशंस मिली है और नो डाउट उनके एक्सप्रेशंस कोई नहीं कर सकता, उनके जैसा डांस कोई नहीं कर सकता, सो दैट इज़ गुड फॉर अस कि उनका आशीर्वाद और उनकी गुड लक हमारे साथ है। और जहाँ तक बात है फिल्म के नर्वसनेस की तो गोविंदा जी आएँ इस बात की बहुत खुशी है और बाकी हम लोगों ने फिल्म काफ़ी मेहनत से और बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट बनाई है तो ये फिल्म आप लोगों के लिए ही बनाई है और सारे ऑडियंस के लिए, तो आप इसको पूरी मस्ती से जाएं देखें, अपने फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, ये फैमिली फिल्म है और आप लोग पूरे मज़े से इसको देखें, आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच सर। यस गोविंदा सर सामने यहाँ पे। यस सर यहाँ पे सामने ग्रुप छोटा पीछे अपने सब लोग पीछे आ जाओ भाई रेडी सर सामने यहाँ पे सर साहब यहाँ पे सर राइट साइड हम इस पर लगा के पीछे सर राइट साइड ओ सर ओ ओ सर विक्रम जी का लिफ्ट सर, विक्रम जी आपका लिफ्ट बस थैंक यू।